गजब एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए रेडी हो जाओ। नंबर वन, जब किसी ऑब्जेक्ट को नियोडाइन या मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है तो अपने मैसिव फोर्स की मदद से उस ऑब्जेक्ट का कुछ उम्र बना देती है। पर जब इन मैग्नेट्स के बीच में एक वल्नरेबल एप्पल को रखा गया तो देखो कैसे वो एप्पल उन दोनों मैग्नेट्स को चुमी लेकर वहां से निकल गई। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। नंबर टू, यहाँ जब बहुत सारे ड्राई आइस को एक छोटे से वाटर पूल में डाला गया तो देखो कैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ने पानी के ऊपर स्मोक की एक लेयर सी बना ली, जो कि देखने में काफी गजब लग रहा है। और इन बच्चों के तो मजे ही मजे हो गए। क्या आपने कभी ड्राई आइस देखी है? नंबर थ्री, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मीडियम साइज के चॉकलेट बार को आप कितनी बार लीक करोगे कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? तो इस बंदे ने यही पता लगाने के लिए एक चॉकलेट की बार को लीक करना स्टार्ट कर दिया और एंड में वो चॉकलेट की बार 186 टाइम्स लीक करने पर खत्म हो गई। नंबर फोर, जब एक नाइफ को पूरी तरह से गर्म करके उसे क्रेयॉन्स कलर्स को काटा गया तो कलर्स मेल्ट होना तो स्टार्ट हो गए, पर रिएक्शन की वजह से वहां पर आग भी लग गई और कलर्स उतनी आसानी से कटे भी नहीं। नंबर फाइव, अगर आप किसी नॉर्मल पेन से लगातार लिखना स्टार्ट करते हो कि जब तक उसकी रिफिल खत्म ना हो जाए तो आप उस पेन से एवरेज 1.5 किलोमीटर तक लिख पाओगे, पर उतना लिखने में आपको टाइम कितना लगेगा कमेंट करके जरूर बताइए।